आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की, आपको बताया रुड़की के नेहरू स्टेडियम में हूँ और आपको बता दूं यहाँ पर श्री ओम हर हर महादेव सेवा मंडल के द्वारा 3 दिवसीय यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। इसमें भगवान श्री गणेश जी की यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही आपको बता दें यहाँ पर जो शहर के बच्चे हैं उनका यहाँ पर डांस कंपटीशन भी यहाँ पर करवाया जा रहा है और जो विजेता है उन्हें यहाँ पर नगद पुरस्कार भी देने की यहाँ पर घोषणा सेवा समिति के द्वारा यहाँ पर की गई है। हमारे साथ जो कार्यक्रम के संयोजक व पदाधिकारी हैं कमल चावला जी, व्यापारी नेता भी हैं, इनसे बात करेंगे क्या कहना चाहेंगे। आपके द्वारा लगातार यहाँ पर 2 दिन से हम देख रहे हैं, पहले दिन आपने भगवान श्री गणेश जी की वंदना आराधना रखी, उसके बाद आपने आज यहाँ पर कल भी यहाँ पर बच्चों का संगीत कार्यक्रम और बच्चों के डांस कंपटीशन करवाए गए और आज भी यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है और कल जिस तरह से कार्यक्रम है, क्या क्या रूपरेखा रहेगी कार्यक्रम की एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए गणेश जी महाराज की जय हो। हमने 7 तारीख को गणेश जी स्थापित किए थे, 8 तारीख को बच्चों का डांस कंपटीशन था जिसमें 100 फॉर्म दिए गए थे, परफॉर्मेंस 135 बच्चों ने करी है और रजिस्टर जो उसमें से पास हुए हैं 24 बच्चे हुए हैं और 24 बच्चों में से अब कंपटीशन चल रहा है, उसमें से 11 चुने जाएंगे और 11 को कैश प्राइज के साथ शील्ड और सर्टिफिकेट दिया जाएगा और बाकी सब बच्चों को 135 के बच्चों को पूरा का पूरा सर्टिफिकेट। फर्स्ट को प्राइज़ 11,000, सेकंड प्राइज़ 5100 और थर्ड प्राइज़ 3100 और फोर्थ प्राइज 2100 और फिर उसके बाद 6th प्राइज 7th प्राइज 1100 रुपये सब बच्चों को दिए जाएंगे। प्रोग्राम क्या आपसे मान के चले अगली बार जिस तरह से बच्चों की संख्या इस बार आपने 100 रखी है, इस बार अगली ज़्यादा रहेगी? हाँ, अगली बार हमारा जो पूरा टारगेट है कम से कम 250 बच्चों से ऊपर का है। ठीक है, हमारे साथ देवेंद्र पोलू जी भी हैं जो कि कार्यक्रम के जो संयोजक के साथ में दिन रात लगे रहे हैं और कार्यक्रम में पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के कमल चावला जी के द्वारा, व्यापारी नेता द्वारा ये जो पहल की गई, इनकी टीम के द्वारा पहल की गई है, लगातार अपने इस कार्य में लगे हुए हैं? कमल चावला ट्रेडर्स के द्वारा जो प्रोग्राम किया जा रहा है ये दिन रात बढ़ता जा रहा है। अब ये जैसा कि कमल चावला ने बताया कि अगले वर्ष हम 250 लोगों बच्चों का पार्टिसिपेट कराएंगे तो इसी तरह प्रोग्राम बढ़ता रहेगा। जय श्री गणेश जी। भैया क्या कहना चाहेंगे आप कमल चावला जी के लिए और उनकी टीम के लिए, लगातार इस तरह के जो काम डांस कंपटीशन के हो, भगवान श्री गणेश जी की आराधना के लिए हो और भी कन्या कार्यक्रम ये करते रहते हैं भंडारे के लिए इस तरह के कार्यक्रम? देखो जी, सबसे पहले तो जय श्री गणेश और ये सब कमल चावला जी की और पूरी कमेटी की मेहनत है जो रंग ला रही है और आगे आगे और लाती रहेगी मेहनत। इस प्रोग्राम को बड़े से बड़ा ही करना है, चावला जी का कहना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो पदाधिकारी है बोल रहे हैं कि कमल चावला और उनकी टीम की पूरी मेहनत है, दिन रात लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पंडाल में इस समय काफी यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है और जो प्रतिभागी हैं वो बारी बारी से आगे अपने डांस कंपटीशन और प्रतिभाग यहाँ पर कर रहे हैं। चाहूंगा क्योंकि ऐसे इवेंट बहुत कम मिलते हैं और भैया के थ्रू हम अपनी परफॉर्मेंस को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सभी बच्चों को यहाँ अच्छा मौका मिल रहा है डांस परफॉर्मेंस करने का। ठीक है, आपका जो यहाँ पर प्रतिभाग है किस तरह का, ग्रुप डांस रहेगा या अलग अलग कंपटीशन है आपके यहाँ? एक ग्रुप डांस है और बाकी नॉर्मल डांस। आपने पिछली बार भी यहाँ पर प्रतिभाग करा सुनने में आया, कल पिछली बार भी आपने यहाँ पर विजेता विनर रहे हैं आप? हाँ जी। इस बार की उम्मीद क्या है? देखते हैं, इस बार कॉम्पिटिशन काफी टफ है। अच्छा, तो इसलिए। आपकी एकेडमी का क्या नाम है? स्वरित संगीत एकेडमी। स्वरित संगीत एकेडमी जी। गणेश जी महाराज जिसे भी बुला रहे हैं वो अपने आप बुला रहे हैं, हमने तो फॉर्म रखे थे। अब अकेडमियाँ इतनी आ चुकी हैं, इस बार आपने देखा एक आर्मी एकेडमी, आर्मी से रिटायर हैं वो भी अपनी एकेडमी लाए थे और छोटे छोटे बच्चे थे और सचिन तो विजेता है पिछले साल का। मैंने खुद इसको फ़ोन करके कहा था यार तू शोभा बढ़ाएगा मेरे प्रोग्राम की जरूर आई हो और ये आया और भगवान गणेश जी महाराज मैं तो चाहता हूँ यही विन रहे। का रोल आपने आज तक करा है, किस तरह का रूप रंग धारण करा है? अतनारी जी का। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के कार्यक्रम में पहुंच के आज क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, मतलब हम जैसे लोग बच्चों को कि डांस करने में मंच पे, इतने बड़े मंच पे डांस करने का मिलना चाहिए और भी जगह ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए शहर में? हाँ जी जरूर, कि बच्चे थोड़ा। क्या नाम है आपका? बानी कौर। बानी कौर। कहाँ रहते हैं आप? मकतूलपुरी में।